हेलो दोस्तों, कार्बन हाइड्रेट्स कंपाउंड्स पार्ट टू का ये वीडियो ExamFear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं, स्पेशलिटी है कार्बन की, इनको अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। उससे भी पहले ये जानना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड चीज क्या है, क्योंकि जब हमें यह समझ आएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तभी तो हम समझेंगे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इस साइड कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब दो एटम्स साथ में आते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, कुछ भी लेन देन करते हैं और आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब दो एटम्स जब साथ में जुड़ते हैं तब बनता है एक बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास दो तरह, हम अभी फिलहाल के लिए हम दो कैटेगरी की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एक होता है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब फिलहाल हम ये दो ही टाइप के बॉन्ड की बात करेंगे, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दूं चीजों को, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक उसी तरह से जो दूसरा एटम है वो पहले एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे बहुत आसान सा, सॉल्ट जिसको हम कहते हैं क्या, NaCl, सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाता है सॉल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसमें इनका ये बनता कैसे है बॉन्ड, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अगर हम डिटेल में देखें, तो सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मतलब सबसे बाहर वाले शेल में। क्लोरीन की स्थिति कुछ ऐसी है कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चला, इसके लिए थोड़ा और डिटेल में जाती हूं, मैं एकदम बेसिक से समझा रही हूं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये तो हमें पता है कि भाई सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या क्लोरीन का 7 है, बट जरूरी है कि जिनको नहीं पता है उन्हें भी अभी पता चल जाए ताकि आप कुछ भी अज्यूम करके आगे ना बढ़े, ठीक है। तो सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, सोडियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होगा 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सोडियम के केस में 1 है, क्लोरीन के केस में 7 है, ठीक है। कोई भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है, हम जॉब करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। तो सब स्टेबल होना चाहता है, तो जो सोडियम भी यहां पे है वो स्टेबल होना चाहता है। और हमें क्या पता है कि किसी को भी अगर स्टेबल होना है तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि उसका जो वैलेंस शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, मतलब जिसको हम कहते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट, मतलब कि जो बाहर वाला शेल है ना उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उस लॉजिक के हिसाब से सोडियम को क्या चाहिए, सोडियम के लिए सोडियम यही चाहेगा कि भाई मेरा ये जो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है ना ये मेरे से चला जाए, ये चला जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा 28। तो सोडियम ये चाहता है, सोडियम चाहता है कि वो अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। क्लोरीन को क्या चाहिए कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना कहीं से तो मेरा ये बाहर वाला जो है वो 8 हो जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम क्या बन जाता है, Na+, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो कौन से चार्जेस ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो इसलिए ये सोडियम प्लस। और क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो सोडियम बन गया Na+, क्लोरीन बन गया Cl-, और इस तरीके से इन्होंने बना लिया NaCl। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने लिया, तो ये हमारा था आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ना तो कोई देता है ना ही कोई लेता है, इसमें दो एटम्स उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। मतलब तुम्हारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है
तुम वो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक एटम ने शेयर किया, दोनों ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अपना दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब तुम मेरे इलेक्ट्रॉन भी यूज करो, अपने भी यूज करो, और मैं अपने भी यूज करूंगा और तुम्हारे भी यूज करूंगा। तो ये हो गया शेयरिंग, किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ठीक है, अब इसको भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, हम कार्बन का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो अब सोचने वाली बात है, अब हमें यह तो पता चल गया कि भाई आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और कोवेलेंट में शेयरिंग होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन शेयर ही क्यों करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं करता है। तो शुरू करेंगे फिर बेसिक से। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2-4, यानी कि वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कार्बन भी जो है वो सबकी तरह है, उसको भी स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। अब डुप्लेट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 है इसके पास, तो ऑक्टेट होने के लिए क्या करना होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पास 4 है तो या तो इसे 4 लेने पड़ेंगे या फिर इसको ये जो 4 इसके पास है ये देने पड़ेंगे। मतलब अगर ये 4 ये दे देता है किसी को, तब तो ये डुप्लेट बना लेगा, क्योंकि फिर इसका आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा। अगर ये किसी और से 4 लेता है तब इसका बाहर वाला शेल हो जाएगा 8, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा। लेकिन अब चैलेंज ये है कि जैसे किसी को अगर एक इलेक्ट्रॉन देना है या एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब आराम से 1-2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो हो जाता है। पर 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन सोचता है कि भाई मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं। ठीक है, ऑप्शन 1 मान के चलते हैं कि कार्बन सोचता है कि भाई मैं लूज कर लेता हूं 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूज कर लेता हूं तो मैं क्या बन जाऊंगा, C4+, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4 एक्स्ट्रा मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं इसमें, राइट। बट इस केस में दिक्कत क्या आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर हमें, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और 4 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। तो इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि भाई ठीक है, कार्बन सोचता है कि चलो ठीक है फिर हम गेन कर लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हम ले लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या दिक्कत है, कार्बन के अंदर जो है, जो कि हमें नॉर्मल सिनेरियो में कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करके रखता है, क्योंकि हमें भी पता है राइट कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करके पूरे एटम को इंटैक्ट रखते हैं। अब प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, अब अगर वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कार्बन बन जाएगा C4-, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन के लिए संभालने के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो जो दोनों एक दूसरे को ढंग से बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो एटम का जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाएगा, तो जो जहां रहता है जिसको जैसे रहना चाहिए वो वैसे नहीं रह पाएंगे, तो इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब बेचारा कार्बन करे क्या, ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट स्टेबल तो इसे भी होना है, तो इसीलिए कार्बन के लिए आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना जो है ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है ना दे सकता है। तो कार्बन ने नेक्स्ट ऑप्शन जो चुना वो था शेयरिंग।
शेयरिंग मतलब ना तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा ना ही मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, और यही एग्जाम्पल यहाँ हम कोवेलेंट के अंदर भी डिस्कस करेंगे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की। इसमें क्या होता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, 4, ठीक है। और इसे ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, वो भी 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, यानी कि बाहर वाले शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से कार्बन कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, या ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं। ऑक्सीजन को चाहिए 8, तो उसके पास 6 ऑलरेडी है, और कार्बन बोलेगा कि ठीक है मेरे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, यानी कि कार्बन का ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यूज कर सकता है। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, अपने 6 प्लस कार्बन के 2, 8, तो ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। कार्बन बोलेगा मैं फ्री में तुम्हारे साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करूंगा, तुम्हें भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करने पड़ेंगे। तो अगर कार्बन 2 शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन भी अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब कार्बन को कितना हो गया, 4 इसके पास ऑलरेडी थे और 2 ऑक्सीजन ने शेयर किया, तो 6। तो कार्बन अभी तक स्टेबल हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि एक और ऑक्सीजन एटम है तो ये ऑक्सीजन एटम के साथ भी कार्बन सेम डील करेगा कि मैं अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। तो अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन स्टेबल है, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल है और कार्बन भी स्टेबल है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ऑक्सीजन के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो कुल मिला के 8, तो कार्बन भी स्टेबल है। तो इस केस में अगर हम देखें तो किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के ये कार्बन ने भी यूज किए अपनी काउंटिंग में, ऑक्सीजन ने भी यूज किया अपने काउंटिंग में, उसी तरह ऑक्सीजन के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ऑक्सीजन ने भी अपनी काउंटिंग में यूज किया और कार्बन ने भी अपनी काउंटिंग में यूज किया, और इस तरीके से ऐसा एक बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और हम ऐसा देखेंगे कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, वो दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अब सबको समझ आ गया होगा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है। अब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाने की बात करते हैं, तभी हमने ऑलरेडी हमने ये बात कर लिया, जैसे NaCl का हमने बात किया, इसमें आयोनिक बॉन्ड है और जो कार्बन है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे, और हम बात करेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी एक स्पेशल टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड होती है जिसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये जो टॉपिक है ये एकदम कार्बन से रिलेटेड नहीं है, बट चूंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा अगर आपको पता रहे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है, हम उदाहरण लेंगे पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ नहीं आएगा। बात करते हैं वाटर की, H2O। इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए कि भाई कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमने देखा है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, जिसके अंदर वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब कुछ एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी जो है आदत उतनी ज्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तभी पाया जाता है जब जिन एटम्स के बीच में
जिन एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रही हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एक जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जब उस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तभी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनती हैं. क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ऑक्सीजन चूंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की आदत होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचे, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खींच के किसी भी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन के पास एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास जो है एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब ये जो दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क हो, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो दूसरा काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. वैसे केसेस में इस तरह की सिचुएशन आती है और इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें इतना पता चल गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन क्यों बनाता है. अब जिन भी कंपाउंड्स के अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखती हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ जेनरिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें अक्रॉस सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि जनरली एग्जिस्ट एज लिक्विड्स और गैसेस. कोवेलेंट कंपाउंड्स या तो लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टॉलुइन एक्सेट्रा. तो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि भाई एक तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ. पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, अभी हम पोलर की बात कर रहे थे, राइट. पोलर का मतलब है ऐसी सॉल्वेंट्स जिसके अंदर जो दो एटम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, ताकि इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो दो हमारे एलिमेंट्स हैं ना इनमें हल्के हल्के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों. तो वाटर के अंदर हमने देखा है कि ऑक्सीजन में स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज रहता है. तो इस तरह की सॉल्वेंट को हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट. और वहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन. अगर बेंजीन की बात करें, बेंजीन में होता है कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, सेम अगर नहीं भी है तो सिमिलर है, जिसकी वजह से वहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का झमेला नहीं होता है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अधिकतर जो है ये कार्बन बेस्ड सॉल्वेंट्स होते हैं, मतलब इसके इनके अंदर कार्बन होता है. ठीक है, तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है लेकिन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होता है. क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती हैं, हमने देखा है, राइट. हाइड्रोजन में थोड़ी पॉजिटिव चार्ज रहेगी और ऑक्सीजन में थोड़ी नेगेटिव चार्ज रहेगी, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स एज सच होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं. क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, जैसे आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे हमने देखा NaCl में Na प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है, तो आयोनिक कंपाउंड्स में चार्जेस होते हैं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है. तो इस वजह से चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स न्यूट्रल हैं ओवरऑल, तो इसीलिए ये जो है पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो न्यूट्रल हैं, तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं. वहीं अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, जैसे NaCl की बात करें, सॉल्ट की, सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर में वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं और पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इस वजह से वो एक दूसरे में सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. जाहिर सी बात है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड से हमेशा वीक होता है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली थोड़ा वीक बॉन्ड होता है. और चूंकि बॉन्ड वीक है, बॉन्ड अगर कमजोर है इसका मतलब है उसको आसानी से तोड़ दिया जा सकता है,
तो इसीलिए उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ही हीट करने पे वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा हीट किया तो वो बॉयल होने लग जाएगा। तो चूंकि उनकी बॉन्ड जो है वो वीक है, तो बॉन्ड को तोड़ना जो है वो कम मुश्किल है। चौथी प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बताया, कोवेलेंट कंपाउंड्स न्यूट्रल होते हैं, तो उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होती हैं, तो वहां पे फ्री आयंस नहीं होते हैं उनके पास। तो चूंकि यहां पे कोई नो फ्री चार्जेस या फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने वाला कोई नहीं होता है, और इसीलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ जेनेरिक प्रॉपर्टीज हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। थैंक यू। क्लास 6 से लेकर के 12th तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मोटिवेशनल वीडियोस को फ्री में देखने और पढ़ने के लिए ज़रूर विजिट करें examfear.com, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।